भले ही तुम मार्वल के फैन हो या ना हो, लेकिन एक बात पे तो तुम भी अग्री करोगे कि मार्वल की मूवीज में कभी कभार स्क्रिप्ट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन हिडन डिटेल्स हमेशा ही एपिक लेवल की होती हैं। सो हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और आज मैं थॉर लव एंड थंडर में ऐसी ही 40 हिडन डिटेल्स के बारे में बात करूंगा जो शायद तुम लोग ने मिस कर दी होंगी। तो चलो देखते हैं क्या थी वो। फिल्म की स्टार्टिंग गौर और उसकी बेटी की शैडो के साथ होती है। ये हम लोग के लिए हिंट था कि फिल्म में आगे हमें शैडो रैन दिखने वाली है। नेक्रोसॉर्ड गौर को कॉल आउट करती है, इसी तरह इटर्नल्स मूवी में एबनी ब्लेड डेन विटमैन को कॉल आउट करती है। दोनों ही स्वॉर्ड्स कर्स्ड हैं और इनको यूज करने वाला इंसान करप्ट हो जाता है। मार्वल स्टूडियोज के इंट्रो में नए हीरोज को भी ऐड किया गया है, जैसे कि मिस मार्वल और मून नाइट। इस दौड़ने वाले सीन में थॉर ने अपना क्लासिक कॉमिक बुक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम पहन रखा होता है। इससे पहले लोकी की टीवी सीरीज में भी क्लासिक लोकी हमें लोकी के कॉमिक बुक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में दिखा था। और की कैप का डिजाइन अवेंजर्स की एक कॉमिक बुक के कवर से लिया गया है। अगर यहाँ पे गौर से देखो, अरे मेरा मतलब ध्यान से देखो, तो उसने एंटमैन, हल्क, आयरन मैन और दा को कट करके उसके ऊपर स्ट्रॉन्गेस्ट लिख दिया है, क्योंकि थॉर अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर समझता है। स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर, एक्सेस डिनाइड, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर, ओके। इन्फिनिटी वॉर में रॉकेट ने थॉर को जो साइबरनेटिक आय दी थी वो येलो कलर की थी, लेकिन यहाँ पे उसकी दोनों आंखें ब्लू कलर की है। तो हो सकता है कि क्योंकि थॉर गार्जियंस के साथ अलग अलग प्लैनेट्स पे जाता रहता है, तो किसी प्लैनेट से उसने एक नई आंख जुगाड़ कर ली हो। बहुत लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज्ड थे कि स्टॉर्मब्रेकर में अचानक से जेलेसी की फीलिंग्स कहां से आ गई। तो लोग कोई बात नहीं भूलनी चाहिए कि स्टॉर्मब्रेकर का हैंडल ग्रूट के हाथ से बना है, इसलिए वो भी लिविंग बीइंग है, और जब थॉर उसको जमीन में गाड़ता है तो इसी वजह से उसकी जड़ें भी निकल आती हैं। थॉर की वेस्ट का डिजाइन कुछ वर्ल्ड ट्री के जैसा है, जैसा हमने थॉर के फर्स्ट पार्ट में देखा था जब वो जेन को नाइन रेल्म्स के बारे में बता रहा था, और यहाँ पे भी उसकी तरह नौ ही स्पीयर्स बने हैं। इसके पीछे बायफ्रॉस्ट का पैटर्न बना है और उसने जो शूज पहने हैं वो बिल्कुल कॉमिक बुक एक्यूरेट है। थॉर स्टॉर्मब्रेकर के ऊपर बैठ के उड़ जाता है जैसे हैरी पॉटर वाली झाड़ू हो। ये जोक थॉर रैग्नारोक का था जब कॉक को लगता है कि थॉर अपने हथौड़े पे बैठ के उड़ जाता था। You rode a hammer? No, I didn't ride the hammer. The hammer rode you on your back? No, I used to spin it really fast and it would pull me off. फिल्म में डार्सी का कैमियो तो था ही, जो थॉर 1 और 2 और वंडा विजन में दिख चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ प्रोफेसर एरिक सेल्विक का भी कैमियो था, जो भले ही 2013 के बाद से MCU में ना दिखे हो, लेकिन उनका रेफरेंस स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में था, जब पीटर फ्लाइट में बैठा होता है वहाँ पे नोवा भी लिखा था, जो कॉमिक्स में एक और सुपर हीरो है, और मिस मार्वल में भी ब्रायन, मेरा मतलब ब्रूनो, डॉक्टर सेल्विक के बारे में बात करता है। I think it's by Dr. Eric Selvig. एक क्रूज के ऊपर थॉर के दोस्त वोल्स्टैक का फेस बना होता है। वोल्स्टैक थॉर 1, 2 और 3 तीनों में दिख चुका है, और इसका रोल किया था रे स्टीवेंसन ने, जिन्होंने RRR मूवी में भी गवर्नर स्कॉट का रोल किया था। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर रैग्नारोक के साथ तीन शॉर्ट्स रिलीज किए गए थे, टीम थॉर पार्ट 2 और टीम डैरिल। इनमें थॉर डैरिल नाम के एक बंदे का रूममेट बन जाता है। ये तीनों ही शॉर्ट्स टाइका वाटिटी ने डायरेक्ट किए थे, और इनमें ब्रूस बैनर और ग्रैंड मास्टर भी अपियर होते हैं। थॉर लव एंड थंडर में डैरिल न्यू एसगार्ड में एक टूर गाइड के रूप में अपीयर होता है। एंडगेम और हॉकाई में जब जो रूसो की बेटी ने क्लिंट की बेटी का रोल किया, तो मैंने कहा यार ठीक है इतना तो चलता है, बट इस मूवी में तो हद ही हो गई। इसमें लव का रोल किया है क्रिस हेम्सवर्थ की बेटी इंडिया रोज ने, हॉर के बचपन का रोल क्रिस के बेटे ट्रिस्टन ने, वुल्फ वुमेन का रोल क्रिस की वाइफ एल्सा पैटकी ने, क्रिस के भाई का अभी आगे बताऊंगा, और गौर जिन बच्चों को किडनैप करता है उसमें क्रिस का एक और बेटा, डायरेक्टर टाइका वाइटीटी के दो बच्चे, नेटली पोर्टमैन के दो बच्चे और क्रिश्चियन बेल का एक बेटा होता है। हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। थॉर रैग्नारोक की तरह इस मूवी में भी प्ले में मैट डेमन, जुरैसिक पार्क और वर्ल्ड वाले सैम नील और क्रिस हेम्सवर्थ के भाई लूक हेम्सवर्थ, लोकी, ओडिन और थॉर के रूप में अपियर होते हैं। थॉर रैग्नारोक में हेला ने जिस जगह पे म्योनिर को तोड़ा था, अभी भी उसका एक एक टुकड़ा ठीक उसी जगह पे पड़ा हुआ है, मतलब इसके टूटने के बाद भी कोई अनवर्दी इंसान इसके एक टुकड़े को तक नहीं हिला पाया। थॉर को गिफ्ट में जो गोट्स मिलती है उनके चिल्लाने की आवाज एक्चुअली 2012 के एक मीम से ली गई है। थॉर उन गोट्स का कीमा बनाने की बात करता है। ये सिर्फ एक जोक नहीं था, बल्कि नॉर्स माइथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि थॉर अपनी दो गोट्स के चैरियट पे ट्रेवल करता है, और जब भी उसको सफर में भूख लगती है तो वो उनको खा लेता है, लेकिन हमेशा अगली सुबह वो वापस से जिंदा हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थॉर स्टार लॉर्ड का शिप स्टार लॉर्ड को ही गिफ्ट करता है, क्योंकि थॉर एंड गेम के बाद से खुद को इंचार्ज समझता है। एवरीबॉडी नोज हु इज इन चार्ज। थॉर स्टार लॉर्ड से बोलता है कि तुम एक सांप पे भरोसा नहीं कर सकते। इनटू द स्नेक बट यू कैन नॉट ट्रस्ट। ये थॉर रैग्नारोक का कॉल बैक था, जब थॉर बताता है कि कैसे बचपन में लोकी ने खुद को सांप में बदल के उसके साथ गंदा वाला प्रैंक कर दिया था। There was one time when we were children, he transformed himself into a snake and he knows that I love snakes. So I went to pick up the snake to admire it and he transformed back into himself and he was like, "Yeah, it's me." And he stabbed me. We were 8 at the time.
जिस सीन में थॉर फेलिगार की डेड बॉडी दिखता है, ये पूरा का पूरा शॉट डिट्टो कॉमिक बुक से उठाया गया है। अब यहाँ पे या तो डायरेक्टर टाइका वाइटीटी कॉमिक बुक को ट्रिब्यूट देना चाहते थे, या फिर उन्होंने सोचा कौन दिमाग लगाया नया डिजाइन बनाने में, पूरा का पूरा छाप दो और क्या। लेडी सिफ भी इस मूवी में अपियर होती है, जो थॉर 1 और 2, एजेंट्स ऑफ शील्ड और लोकी की टीवी सीरीज में भी दिख चुकी है। उसको एंड गेम में भी इस वाले सीन में अपियर होना था, लेकिन उसको स्क्रिप्ट में से कट कर दिया गया था। और यहाँ पर उसने एमसीयू में पहली बार अपना कॉमिक बुक एक्यूरेट आर्मर और हेलमेट पहन रखा है। न्यू एस्गार्ड में थॉर के पीछे द ब्लैक रेवन नाम का एक बार होता है, ये ईस्टर एग था ओडिन के ब्लैक रेवन्स का। फ्लैशबैक्स में थॉर ने निक फ्यूरी का नंबर निक फरी के नाम से सेव किया है, ये उन्हीं टीम थॉर शॉर्ट का रेफरेंस था जिसमें थॉर बोलता है कि निक फ्यूरी का सही प्रोनंसिएशन निक फरी है। फ्यूरी, व्हाट डज ही रियली नो एंड इज फ्यूरी हिज रियल नेम और इज इट एक्चुअली प्रोनाउंस्ड फरी। ये वाला डायलॉग कहीं सुना सुना सा लगता है, नहीं? What's it been like? 3-4 years? 8 years, 7 months and 6 days, give or take. 15 साल बीत गए काली। पंद्रह साल 4 महीने 10 दिन। लगता है थॉर ने भी दिलवाले देखी है। नहीं, लेकिन मजाक की बात नहीं है, हो सकता है सच में देखी हो। मिस मार्वल के शो के अकॉर्डिंग शाहरुख खान एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं। There's no such thing as a bad Shahrukh Khan movie. और अगर शाहरुख काजोल की बाजीगर और DDLJ एमसीयू में एग्जिस्ट करती है, Do you like watch, Bollywood movies and stuff? Obviously, but only the greats like Bazigar, all the stuff like that. I mean, it's not a surprise you like Bhaskar. It's only SRK's best work. Yeah, I know. Popular opinion says DDLJ. तो हो सकता है दिलवाले भी करती हो। चलो इसको साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे जेन के लिए 3-4 साल ही हुए हैं, लेकिन थॉर के लिए 8.5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि जेन थैनोस की स्नैप के बाद गायब हो गई थी। और डायरेक्टर ने बोला है कि इस फिल्म की स्टोरी एंड गेम के 3 साल बाद की है। मतलब हाँ, 2018 से 2026 8 ही साल हो रहे हैं। कॉक जेन फॉस्टर को जोडी फॉस्टर बुलाता है। जोडी फॉस्टर, जेन फॉस्टर। यही वाला जोक उसने डेडपूल एंड कॉग रिएक्ट वाले वीडियो में जोडी कॉमर को देख के मारा था। जोडी कॉमर। ये वीडियो रायन रेनॉल्ड्स और टाइका वाइटीटी ने फ्री गाय मूवी को प्रमोट करने के लिए बनाई थी। एक एस्गार्डियन औरत बोलती है, हाफ आवर सोल्जर्स आर ऑलवेज डेड, क्योंकि थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में आधे एस्गार्डियंस को मार दिया था, और क्योंकि वो डायरेक्टली मरे थे इसलिए वो हल्क के ब्लिप करने से भी वापस नहीं आए। थॉर मदद मांगने के लिए बहुत सारे गॉड्स के नाम गिनाता है, जिनमें हरक्यूलिस भी होता है, जो हमें बाद में पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखता है, और वो गॉड रा का भी नाम लेता है, जो मून नाइट वाले खोंचू के डैडी हैं, मेरा मतलब फादर है। जिस शिप से ये लोग ट्रेवल करते हैं उस पे एजिल लिखा होता है, जो नॉर्स माइथोलॉजी में गॉड ऑफ द सी है। और यहाँ पे कॉकटेल एंड ड्रीम्स का साइन होता है, जो रेफरेंस है कॉकटेल मूवी का। अरे ये वाली नहीं, टॉम क्रूज वाली। उस मूवी के एंड में टॉम क्रूज का कैरेक्टर इसी नाम के बार में काम करता है। और जब ये शिप चलता है तो उसके नीचे रेनबो ब्रिज बन जाता है, जैसे हमने थॉर की 3 मूवीज में देखा है। जेन और वैल्किरी के आगे पैंथर गॉडेस बास्ट बैठी होती है, जिन्होंने वकांडेंस को उस हार्ड शेप्ड अर्थ तक पहुंचाया था, जिससे ब्लैक पैंथर को उसकी पावर्स मिलती है। और बास्ट शू की हाफ सिस्टर भी है। कॉक का क्रोनन गॉड जिस थ्रोन पे बैठा है वो गेम ऑफ थ्रोन्स की आयरन थ्रोन जैसी है, बस ये स्वॉर्ड्स की जगह सिजर्स से बनी हुई है, ताकि रॉक पेपर सिजर वाला जोक हो जाए, जो रैग्नारॉक में भी था। Made of rocks, as you can see, but don't let that intimidate you. You don't need to be afraid unless you're made of scissors. थॉर की बैक पर बहुत सारे टैटूज हैं। सबसे पहले RIP लोकी लिखा है, और उसके नीचे लोकी का हेलमेट बना है। साइड में ब्रदर्स लिखा है, और नीचे रेस्ट इन मिस्चिफ लिखा है, क्योंकि लोकी गॉड ऑफ मिस्चिफ है। और यहाँ पे उन सब लोगों के नाम है जिनको थॉर ने खो दिया है, जैसे की मदर, फादर, हेमडाल, लोकी, टोनी और नताशा। जल्दी यहाँ पे जेन का नाम भी ऐड हो जाएगा। ओके सॉरी थॉर भाई। ज्यूस कॉक की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन फिर भी वो जिंदा बच जाता है, क्योंकि उसका फेस बच जाता है। मतलब थॉर द डार्क वर्ल्ड की स्टार्टिंग में थॉर ने जिस क्रोनन को फोड़ा था वो भी जिंदा बचा होगा, अगर उसका फेस बचा होगा तो। वैल्किरी जब कॉक को अपने सिर के पीछे बांधती है तो उसके बालों से कॉक की मूछे बन जाती है। ये फोरशैडो करता है फिल्म के एंड में कॉक के पार्टनर ड्वेन द रॉक को, जो ऑब्वियसली द रॉक को लेके एक जोक था। जब थॉर और उसकी टीम ऑमनीपोटेंट सिटी से भागते हैं, तब हमें वहां पे 2 सेलेस्टियल्स दिखते हैं। इनमें से ये है कॉमिक्स का मैट सेलेस्टियल और दूसरा है सेलेस्टियल गार्डनर। कॉक वैल्किरी से बोलता है कि तुमने बैटल में अपनी गर्लफ्रेंड को खोया और खुद को माफ नहीं किया। तो ये सीन एक्चुअली हमने थॉर रैग्नारॉक में देखा था, जब लोकी वैल्किरी को उसकी मेमोरीज दिखाता है। एटर्निटी के अगल बगल में बहुत सारे स्टैच्यूज है। यहाँ एक सेलेस्टियल का स्टैच्यू है, यहाँ वॉट इफ वाले वॉचर का, यहाँ लिविंग ट्राइब्यूनल का, जिसका रेफरेंस हमें डॉक्टर स्ट्रेंज। दिस इज द स्टाफ of the living tribunal. Loki और Multiverse of Madness में मिला था, Phil Lady Death, उसके बाद Eon और लास्ट में Eternity की बहन Infinity. Eternity का लुक पूरा कॉमिक्स से इंस्पायर्ड है, वो एक कॉस्मिक एंटिटी है और पूरे मार्वल यूनिवर्स का एम्बॉडीमेंट है। और यहाँ पे Eternity मेडिटेट कर रहा होता है। जब थॉर इस मूवी में पहली बार दिखा था तब वो भी मेडिटेट ही कर रहा था। थॉर लव के लिए पैनकेक्स बनाता है, इससे पहले वो फ्लैशबैक्स में जेन के लिए भी यही बना रहा था। लव म्योनिर को एक बेड पे लिटा देती है, टीम थॉर वाले शॉट में थॉर ने भी यही किया था। और लव उसके ऊपर ड्रॉइंग
बना दी थी जो व्हाट इफ का रेफरेंस था, उसमें भी थॉर को आवाज क्रिस हेम्सवर्थ ने ही दी थी। Wait, what? Oh, you can't be serious. So I hope कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर तुम्हें इसी टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस पे ऐसी टाइप की वीडियोस आने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।